मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे भरतपुर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत सम्मान किया है। काफी संख्या में मौजूद छात्राओं ने भी सीएम का आभार जताया। पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेनम, डी कुम्हेर से विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी मौजूद रहे। भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत सम्मान किया है। काफी संख्या में मौजूद छात्राएं, उन्होंने स्वागत सम्मान किया। तो पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया, जिस तरह से कार्यवाहियां हो रही हैं उसको लेकर आभार जताया गया है, और इसी तरह निरंतर कार्यवाही होती रहे, यही आशा उम्मीद अपील भी की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर पहुंचे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब वो भरतपुर पहुंचे तो किस तरह स्वागत सम्मान कार्यकर्ताओं ने किया, और क्योंकि इसी इलाके से, इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं, तो जब वो पहुंचते हैं तो और भी ज़्यादा जोश उत्साह नज़र यहाँ के कार्यकर्ताओं में आता है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेनम, डी कुम्हेर से विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। क्लस्टर की बैठकें लगातार चल रही हैं। इससे पहले कल भी बैठक ली और आज भी बैठक के लिए निकले, क्योंकि कल जब चूरू पहुंचे थे तो वहां उन्होंने जिक्र किया था जिनको जाना है जाएं। अब आप सभी को, जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको जोश खरोश से कार्य करना है। और आज जब भरतपुर पहुंचे हैं तो भरतपुर में भी बैठकें होनी हैं। और अजय हमारे सहयोगी भरतपुर से जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, स्वागत सत्कार हुआ है, और क्या कुछ अब आगे कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए अब जैसे ही वो हेलीपैड पर पहुंचे मुख्यमंत्री, तो वहां पर जो काफी संख्या में छात्राएं थी, जो पेपर लीक जो मामला था जिसमें जो टीम का गठन किया गया था और जो आरोपी पकड़े गए हैं, उसको लेकर वहां पर काफी संख्या में छात्राओं ने आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री का, और उसके बाद उनको गुलदस्ता भी भेंट किए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री भरत वहां से चलकर नेशनल हाईवे आगरा पर जो जगह जगह पर स्वागत कक्ष बनाए गए, तो लोग कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। अब भरतपुर से थोड़ा सा आगे जाके एक मैरिज होम है, वहां पर भरतपुर संभाग की क्लस्टर बैठक है, उस बैठक में वह अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और संभाग स्तर के भाजपा के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनको जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको किस तरह से रणनीति बनाई जाए आगे चल के, उसमें कुछ मंत्र उनको देंगे और वो लोगों को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। जी अच्छा अजय, अगर यहाँ की क्लस्टर की बैठक को लेकर जानकारी अगर आपसे चाहें, कि जो यहाँ पर चुनाव होना है, अब लोकसभा चुनाव, और इस यहाँ के जो प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली, किस तरह से तैयारियाँ वहाँ पर चल रही हैं? बिल्कुल, जो क्लस्टर की जो बैठक है संभाग स्तर की, इसमें धौलपुर, करौली और भरतपुर, ये तीनों इलाके हैं। तो यहाँ पर जो संभाग स्तर की बैठक है कि जो 25 का जो टारगेट है राजस्थान का, तो किस तरह से उसको निकालना है, किसके 25 सीट जो लेकर आनी है उसको लेकर यहाँ पर जो क्लस्टर के जो कार्यकर्ता है और जो संभाग स्तर के जो वरिष्ठ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, तो उनको कुछ गुरु मंत्र भी यहाँ पर देंगे, और उनको प्रत्येक क्लस्टर बैठक के जो अध्यक्ष है उनको भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विधान जो लोकसभा चुनाव है उसकी पूरी तरह से तैयारी और अच्छे स्तर पर आज यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। अजय, एक और चीज, क्योंकि पूर्वी राजस्थान जो है उसे मजबूत करने में भाजपा जुटी हुई है, और भरतपुर जब मुख्यमंत्री आते हैं सबसे बड़ी बात है यहीं से वो आते हैं, यही उनका गृह जिला है, तो अब यहाँ पर अभी और कितनी मजबूती भाजपा को चाहिए होगी पूर्वी क्षेत्र की तरफ से देखें और एक मुख्यमंत्री के गृह जिले के तौर पर देखें? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में बिल्कुल पूरा जो भाजपा का जो पूरा फोकस है वो भरतपुर जिले पर रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भरतपुर जिले से बिलोंग करते हैं और भरतपुर के रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर तमाम जो क्लस्टर की जो संभाग की जो बैठक रखी है उसमें इसी मुद्दे को लेकर रखी गई है कि जो लोकसभा चुनाव है उस
लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरह से उनको कार्यकर्ताओं को कार्य करना है, बूथ लेवल तक उनको कार्य करना है, और किसी भी कीमत पर भरतपुर की जो स्पेशल अपन सीट की बात करें तो भरतपुर सीट को किसी भी तरह से हर हाल में जीत कर निकाल कर लेकर आना है। तो इस पर पूरा भाजपा का जो पूरा फोकस रहेगा। यहाँ पर पहले से जो राजेंद्र राठौर है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, काफी भाजपा के और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो संभाग स्तर के जितने भी कार्यकर्ता है थोड़ी बहुत देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद उस सभा को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है जानकारी के लिए।